नमस्कार मित्रों, पद्म अवार्ड के बीच में भी आप लोग सब आए, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा पे चर्चा की फिफ्थ एडिशन 1 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक यूनिक इनोवेटिव आउटरीच की उपक्रम है। भारत की भविष्य की पीढ़ी को, नई पीढ़ी को एक गार्डियन के भूमिका में, अभिभावक की भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में, दादा की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहजता लाने के लिए, हम जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में सब अभ्यस्त हैं, हम सभी के मन में परीक्षा एक मॉडर्न के रूप में माना जाता है। हम सभी विद्यार्थी रहे, अभी भी इंटरव्यू वगैरह कभी अन्य कोई नौकरी एग्जामिनेशन नाम सुनते ही एक घबराहट आती है। ये एक सोशियो साइकोलॉजिकल चैलेंज है, उसमें कई प्रकार की एक्सपेरिमेंट भी पिछले दिनों में हुए हैं। सिलेबस को घटाना, एग्जामिनेशन पैटर्न पे कुछ परिवर्तन करना, कई कई इनिशिएटिव समय समय पे होते आई है। पिछले कई सालों में प्रधानमंत्री जी ने एक इनोवेटिव तरीका निकाला काउंसलिंग का, हैंड होल्डिंग का, एक यूनिक एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया है और उसको स्वयं वो खुद लीड करते हैं। अब लाया परीक्षा की पहले बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए, डिस्ट्रेस करने के लिए, ईज डेवलप करने के लिए, कंफर्टेबल डेवलप करने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए उन्होंने परीक्षा पे चर्चा करके एक यूनिक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैं आज आपके सामने इसकी जानकारी देना उचित मानता हूं। धीरे धीरे ये एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के रूप लेने लगा है। पिछले बार पैंडेमिक के दौरान भी ऑनलाइन प्रक्रिया में हम लोगों ने परीक्षा पे चर्चा को ऑर्गेनाइज करवा पाए। आजकल सिर्फ एक डायलॉग नहीं रहा कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए, इसी साल परीक्षा पे चर्चा को पॉपुलराइज करने के लिए, लोगों की यानी विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए एक प्री इवेंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया। mygov.in प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन मंगा के लगभग 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को रजिस्टर करवा के एक क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया कंटेम्पररी टॉपिक के ऊपर, विशेष करके एग्जाम स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ रिलायंट स्कूल एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया, आजादी का अमृत महोत्सव, पर्यावरण, ये सारे विषय पे अभिभावकों की भूमिका, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल, टीचर्स के लिए COVID-19 पैंडेमिक अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऐसे कई सारा विषय पे एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके 2000
सफल विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षकों को उसमें से एनसीईआरटी ने चयन करके उनको सर्टिफिकेट देना, सम्मानित करने का भी काम किया है। मित्रों, इस बार 1 अप्रैल 11 बजे फिफ्थ एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा आयोजन किया जा रहा है तालकोटर स्टेडियम में। कोरोना की रेस्ट्रिक्शन को ध्यान रखते हुए दिल्ली तथा एनसीआर के सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, यूपी, हरियाणा ऐसे राज्यों को इन्वॉल्व करते हुए 1000 स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाएगा। जैसे इसके एक दूसरा आयाम रहता है, डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग होती है, देश विदेश में करोड़ों की संख्या की पार्टिसिपेशन डिफरेंट लेवल पे होती है। इस बार हमने और 2-3 नया फीचर उसमें से जोड़ा। हमने आयोजन किया है भारत की सारे महामहिम राज्यपाल अपने राजभवन में उस राज्य की बच्चों को इकट्ठा करके, अभिभावक, बच्चे और शिक्षकों को इकट्ठा करके परीक्षा पे चर्चा को और एक कदम आगे लेना चाहिए। इस बार उसके आयोजन किया जा रहा है। सारे राज्य सरकार ऐसे कुछ चुनिंदे विषय रहते हैं जहां एक यूनानिमिटी रहता है, बच्चे डिस्ट्रेस हो उसमें से किसी की कोई आपत्ति नहीं रहती है, इसलिए सभी राज्य सरकार उसको मदद भी करते हैं। हम विदेश में हमारे जो मिशन है जहां इंडियन डायस्पोरा ज्यादा है, जैसे गल्फ इलाका में है, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है, विदेश की मिशन के अंदर भी परीक्षा पे चर्चा की लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। जितने सारे हायर एजुकेशन की सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की जितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसे सारे शैक्षणिक संस्था हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रबंधन में चलने वाले मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग स्कूल्स, भारत सरकार के अन्य शिक्षा संस्थान और उनकी पार्टनरशिप में चलने वाले राज्यों के शिक्षण संस्थान, ये सारे स्थान पे परीक्षा पे चर्चा की कार्यक्रम को आयोजन किया जाएगा। अभी तो मित्रों उसमें से 9 से 12वीं तक, 9 to 12 तक स्टूडेंट की बारे में डीप फोकस होकर चर्चा होती है, चर्चा पार्टिसिपेटरी होती है, चर्चा ही होती है, पीएम साहब और विद्यार्थियों की डायलॉग होती है। ये लक्ष्य यही है और इस बार तो उसकी महत्व और बढ़ी है। कोरोना की उपरांत पोस्ट कोरोना फेज में ठीक ठाक इस बार परीक्षा होने वाला है। पिछले 2 साल कोरोना की इम्पैक्ट के कारण ऑनलाइन, ऑफलाइन, बिना एग्जामिनेशन की पास, ये सब हमको मजबूरन करना पड़ा है। लेकिन शिक्षा विशेषज्ञों की एक स्पष्ट अभिमत है, एग्जामिनेशन इन्विलिजेशन के साथ हो, प्रोक्टर्ड बेस्ड हो, शायद भारत में मैसिव वैक्सीनेशन के कारण, सोसाइटी की सहयोग के कारण आज स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल होने की ओर बढ़ा है, इसलिए इस बार एग्जामिनेशन की अपने आप में और महत्व है। इसी बैकग्राउंड में परीक्षा पे चर्चा निश्चित रूप में विद्यार्थियों को, विशेष करके नई पीढ़ी की आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी। मैं आप लोगों के माध्यम से समाज की सारे स्टेक होल्डर्स की, विशेष करके यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स,
टीचर्स, इन सभी लोगों की और सोसाइटी एट ए लार्ज सभी का सहयोग आपके माध्यम से मैं अपेक्षा रखता हूं, आप लोगों की भी कोऑपरेशन में अपेक्षा रखता हूं, इस इंस्टीट्यूशन को भारत में स्थापित करने के लिए आपकी भी एक भूमिका रही है, इस बार भी आप हमें इसमें मदद करोगे, यही दो तीन बात आपकी लोगों आप लोगों के सामने रखना था। नो, इसी की लाइव स्ट्रीमिंग होगा गवर्नर हाउस में, वहां के बच्चे आएंगे, गवर्नर हाउस पहली बार शायद कई बच्चे आएंगे और वहां परीक्षा पे चर्चा बैठ के देखेंगे, प्रधानमंत्री जी के इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, गवर्नर तो सब करेंगे ही, मैं सबको पत्र लिखा हूँ। देखो, मैं मानता हूँ सभी को करना चाहिए, कोई इसमें से क्या आपत्ति किसी की होगी, हमारा अपेक्षा सभी करेंगे। सर नमस्कार। सर सर मैं कविता हूँ हरिभूमि न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल आपसे सर, आपने कहा कि ये जो इंडियन मिशंस हैं वहाँ पर बोला आपने कि हम इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे और बच्चों को वहाँ पे भी कनेक्ट करेंगे, तो सर साउथ ईस्ट एशिया में क्या चाइना, पाकिस्तान और रशिया, मैंने और एक शब्द कहा हरिभूमि, इंडियन डायस्पोरा जहाँ है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यहाँ से इंडियन डायस्पोरा के बहुत बच्चे हैं, जिस जिसी कंट्री में भरा पड़े हैं, हम तो जेई एनईटी का एग्जामिनेशन सेंटर भी वहां कर रहे हैं, इसलिए ऐसे सारे कुल मिला के इंडियन डायस्पोरा नॉलेज बेस में जहां जो जुड़े हैं इन सभी को जोड़ने का कोशिश है। सर आप, सर आप तय करेंगे कौन किसको। सर आपने कहा कि कोई भी सर इस इधर सर प्रणव यूएनआई से हूं मैं, आपने कहा कि कोई भी बच्चा तनाव में रहे ये कोई भी नहीं चाहेगा, तो क्या राज्य सरकारों को भी चिट्ठियां लिख के कि हाँ, उनके भी बच्चे उनके स्कूल जो है। ये जैसे मैंने कहा कि फिफ्थ एडिशन है, पिछले दिनों में भी राज्य सरकार इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किए हैं, हमारी सेक्रेटरी मैडम ने सारे चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग ले चुके हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी की मीटिंग ले चुके हैं, हम जैसे आज अभी डॉक्टर सिंह मेरे को कह रहे थे, मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की लगभग मुख्यमंत्रियों से उनकी बातचीत हो गई है, डॉक्टर सुभाष सरकार कुछ राज्यों में बात की है, मैं कुछ राज्यों से बात कर रहा हूं, हम आने वाले एक दो दिनों में सभी राज्यों को आउटरीच मंत्री मुख्यमंत्री स्तर पे कर लेंगे, प्रशासनिक स्तर पे ब्यूरोक्रेसी की ओर से कॉन्टेक्ट किया जा रहा है, सेक्रेटरी उसको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री और गवर्नर महोदय को चिट्ठी लिखा हूं, ये सारा लोगों की पार्टिसिपेशन होगा, ये हमारा विश्वास है। सर जो 1000 बच्चे डायरेक्ट पीएम मोदी से इंटरेक्ट कर पाएंगे उनके लिए कोई स्पेशल सिलेक्शन क्राइटेरिया था या फिर नहीं। अमूमन देखिए, हम लोग पिछले दिनों में जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं उन्हीं में से बच्चों को बुलाते हैं, इस बार सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ के स्कूल्स, जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय है, स्वाभाविक कुछ हमने कुछ दो तीन प्रकार की मैंने सामान्य परिवार से भी बच्चे आए, पढ़ने वाले बच्चे आए, कम कॉन्फिडेंस रखने वाले बच्चे भी आए, सभी प्रकार के एक मिक्स अनुभव के बच्चे आए, यही हमारी प्रयास रहेगा, सब आएंगे, सब बच्चे आएंगे। नो, स्टूडेंट, इट्स अ ग्रेजुअल, इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ इंस्टीट्यूशन एंड फॉर स्टूडेंट्स। 12वीं का बच्चा 3 महीने के बाद आईआईटी में चला जाता है, 3 महीने के बाद मेडिकल कॉलेज में आ जाता है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है ना, आप भी स्टूडेंट होकर बैठोगे, मैं भी स्टूडेंट होकर बैठूंगा, मेरे को एग्जामिनेशन देने में थोड़ा तो घबराहट आती है। देखो ये एक पब्लिक मूवमेंट हमारी बन रहा है धीरे धीरे, देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा विषय है सभी को चाहिए और विशेष करके हमारी विद्यार्थियों को चाहिए, यंगस्टर्स को चाहिए। So sir, are you moving to the higher education space with this? Gradually, certainly. It's a gradually. This is going to be institution for students and youth. देखो देश की किसी देश में ऐसी डायलॉग होती है क्या?
इसे इनोवेटिव हुए, देश की प्रधानमंत्री समय निकाल के देश की विद्यार्थियों से, यूथ से, स्टूडेंट से सीधा डायलॉग करे, रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग यहां हो, उसको देश भर के लोग दिखे, उसकी पोस्ट एंड प्री इवेंट की रचना हो, ये अपने आप में हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, नई पीढ़ी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। सर, एज यू सेइंग यू ग्रेजुअली मूविंग टू हायर एजुकेशन, वहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन होगा वो कितना डिफरेंट होगा, क्योंकि स्कूल लेवल और हायर एजुकेशन में काफी फर्क होता है स्टूडेंट के एग्जामिनेशन प्रोसेस में। स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है, ये सब प्रोस्पेक्टिव है, अपना अपना देखने की तरीका है। अभी तो हम स्कूली बच्चों को बुलाएंगे, लेकिन उसकी जो आउटकम आएगा, देखिए गॉस्पेल सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं होता है, कम से कम हम लोग इसको कुछ विषय को हम, मैं आपका इसीलिए देखो, मैं इसको प्रेस नोट भी आपको दे सकता था, मैं आपको क्यों बुला के एक बार निवेदन कर अनुरोध में अनुरोध ही कर रहा हूं कि देखो कुछ विषय में देश की कैरेक्टर बनानी है, देश को 21st सेंचुरी में नॉलेज और इकोनॉमी भारत को बनानी है, देश में कॉन्सेंसस यूनानिमिटी की आवश्यकता है, इसीलिए हमें इस विषय को थोड़ा उस कैनवस में देखें और उसमें आपकी कोऑपरेशन चाहिए। अरे फिर वही चले गए सब, अभी तो 9वीं 9 से 12 के बच्चे रहेंगे। मेरे ख्याल से मैं आपकी जो रीड था प्रश्नों के, सारे 4-5 मित्रों की प्रश्न के माध्यम से उसके उत्तर देने का कोशिश किया है। अब फिर पत्रकार परिषद मत बनाओ, ये आपका हो गया भाई, डिसिप्लिन भी कुछ रहता है ना, डिसिप्लिन भी कुछ रहता है, मेरे से बाद में बात कर लेना आप। Sir, you mentioned the topics of the writing competition for school, for students as well as teachers. And one of the new ones, of course, this year, you said that teachers would be asked to write about difficulties of teaching in the pandemic. What kind of response has been received for that, one thing? And you also mentioned, मेरे को जो feedback what मिला kind of... I cannot share the, all the details because I don't have. Because I am here to give a brief outline of the total scheme. I just wondered, in case the ministry has received, it will be very interesting to know. Certainly our experience, because 15 lakh participants registered themselves. And we have selected out of them 2,000 participants from students, from teachers, from parents, we have selected. This is a very successful initiative that I mentioned. Sir, also... you mentioned that, you know, meetings have been held with the chief secretaries of the states. My secretary has already talked to the respective chief secretaries. Yes, I just wondered also, I know you have been having meetings to assess the impact of the pandemic on education and today tracking that. Today we are here to, please appreciate one thing, okay. Today we are here to share our view and take your question on Pariksha Pe Charcha. Thank you.